राजसंपत्ति विभाग पर कितना बकाया है इसका? डेढ़ साल का है, एक महीने का लगभग 72,000 रुपये कमर्शियल टैक्स के हिसाब से बनता है, जब से वो लोगों ने कंडेम किया है कि को मार्केट रेट से दिया जाए, तो उसलिए कोई नोटिस दी गया? अभी तो नोटिस नहीं सर हुई है। अम्बेडकर महासभा परिसर, यहाँ पर अम्बेडकर जी का अस्थि कलश रखा हुआ है। इस अस्थि कलश को उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने रखा था। दर्शनार्थ लोग आते हैं, यहाँ पर तमाम कार्यक्रम होते हैं, उनको याद किया जाता है। यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहाँ आ चुके हैं। और जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अम्बेडकर महासभा जो स्थल है इसको राष्ट्रीय स्थल में घोषित, राष्ट्रीय स्मारक स्थल में शामिल किया जाएगा, ताकि इसका जीर्णोद्धार हो सके और इसको और बड़े बृहद स्तर पर किया जा सके। लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी बीच राजसंपत्ति विभाग का इस परिसर पर करीब 15 लाख रुपये कर्ज बढ़ गया, बोझ बढ़ गया, किराया बढ़ गया है और ये स्थिति में नहीं है अम्बेडकर महासभा की उनको भुगतान कर सके। इन्होंने अब इसको डर है कि कहीं अस्थि कलश अब जाएगा कहाँ, यहाँ से अगर परिसर खाली कराया